हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। तो एनआईटीज में एडमिशन लेना है, फाइनली कितने रैंक तक एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है, मींस जो भी आप एनआईटीज की टारगेट कर रहे हो उसमें मैक्सिमम कितने रैंक तक एडमिशन हो जाता है, आज की वीडियो में यही कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एट 31st पोजीशन एनआईटी नागालैंड, होम स्टेट से एसटी कैटेगरी अवेलेबल था, 20,771 पे जोसा में क्लोज हो गया था और ये कैटेगरी रैंक है। अगर आप जनरल के अलावा मतलब ओपन कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से फॉल करें तो आपकी दो रैंक्स आती हैं, एक आपका सीआरएल रैंक होता है, एक आपका कैटेगरी रैंक होता है। तो जोसा में आप अपने कट ऑफ कैटेगरी रैंक से मैच करोगे, सीसैप या फिर कोई भी इंडिया की काउंसलिंग आप कर रहे हैं जेएमएन के थ्रू, तो आपको सीआरएल रैंक से मैच करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जोसा में आप अपने कैटेगरी रैंक से मैच करते चलोगे, बाकी सीसैप में आप अपने सीआरएल रैंक से मैच करोगे। एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 31,000 पे क्लोज हो गया था और फाइनली सीसैप 6 लाख रैंक तक चला गया था, 6 लाख यहाँ पे सीआरएल रैंक है। अदर स्टेट से देखें तो ओपन कैटेगरी 57,268 पे सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी नागालैंड का क्लोज हो गया था, वहीं सीसा में 93,000 प्लस पे कॉलेज चला गया था। तो देयर इज अ चांस कि अगर आपका 90,000 प्लस या फिर 1 लाख के अराउंड रैंक है तो आपको एनआईटी नागालैंड में एडमिशन मिल सकता है सिविल इंजीनियरिंग के साथ। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी मिजोरम। तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करें तो अगर आपका जेई में कुछ भी रैंक हो तो देयर इज अ चांस कि आपको एनआईटी मिजोरम में एडमिशन मिल जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 8 लाख प्लस पे चला गया था ओपन कैटेगरी के साथ। तो देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई आपको ब्रांच मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट से हो। वहीं अदर स्टेट के साथ सिविल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 58,024 पे जोसा में क्लोज हो गया था एंड सीसैप में 94,000 तक चला गया था, मींस एनआईटी नागालैंड से भी प्लस पे एनआईटी मिजोरम क्लोज हुआ था। तो ये बेसिकली आपको देखना है कि आप जो कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उसमें आपका मैक्सिमम रैंक क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करो तो ओपन कैटेगरी के साथ 2 लाख प्लस पे भी यहाँ पे कॉलेज मिल गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। अदर कैटेगरी कट ऑफ देख सकते हो, अदर स्टेट के साथ हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग 55,000 पे गया था जोसा में एंड सीसैप में 82,000 तक फाइनली ये कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी मणिपुर। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 लाख प्लस रैंक पे चला गया था। तो बेसिकली अगर आपका रैंक 3 लाख 4 लाख है, अगर होम स्टेट आपका लग रहा है तो कोई ना कोई ब्रांच आपको इसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। वहीं अदर स्टेट के साथ देखें तो सिविल इंजीनियरिंग 53,000 पे एंड सीसैप में 83,000 प्लस पे चला गया था, तो आपका 1 लाख के अंदर रैंक है। तो देयर इज अ चांस कि एनआईटी मणिपुर में आपको एडमिशन कोई ना कोई ब्रांच के साथ मिल जाए। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी श्रीनगर। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी के साथ 94,000 जोसा में एंड सीसा में 1,30,000 तक चला गया था, तो होम स्टेट के साथ आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपका लाखों में रैंक है। वहीं अगर अदर स्टेट के साथ देखें तो 96,733 पे फाइनली सीसा में क्लोज हो गया था, जोसा में 58,000 तक क्लोज हो गया था मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी सिक्किम। जोसा में आपका फाइनली कॉलेज 5 लाख प्लस पे क्लोज हो गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ओपन कैटेगरी का, बट आपका जो भी रैंक रहे अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि आपको कोई ना कोई ब्रांच इस कॉलेज में मिल जाए। वहीं अगर अदर स्टेट के साथ देखें तो 54,000 पे जोसा में क्लोज हो गया था सिविल इंजीनियरिंग एंड सीसैप में 76,000 पे सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी अगरतला। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो केमिस्ट्री डुअल डिग्री आपका 2.5 लाख प्लस पे भी चला गया था, हालांकि ये मेन इंजीनियरिंग ब्रांच तो नहीं है, बट आप अगर काउंसलिंग कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि इसमें आपको एडमिशन मिल जाए हाई रैंक पे भी अगर आप होम स्टेट से हो। अदर स्टेट के साथ भी केमिस्ट्री डुअल डिग्री 59,000 जोसा में एंड सीसा में 1 लाख प्लस मतलब 1,13,000 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था, तो 1 लाख प्लस आपका रैंक है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी मेघालय। नो डाउट अंडररेटेड एनआईटी बिकॉज इसकी स्टैट काफी जबरदस्त है। आप कॉलेज थ्री पॉइंट के एप्लीकेशन पे 3 to 5 ईयर की किसी भी एनआईटीज की, किसी भी ट्रिपल आईटीज या फिर इंजीनियरिंग में रेपेटेड कॉलेज की आप स्टैट देख सकते हो। इसके साथ राउंड वाइज कट ऑफ क्या जा रही है, फी स्ट्रक्चर क्या, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कॉलेज थ्री पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलती है, तो डेफिनेटली जाके सारे एनआईटीज के स्टैट जरूर चेक करना। होम स्टेट के साथ बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग 73,000 में जोसा में क्लोज हो गया था, सीसैप में 1,12,000 तक सिविल इंजीनियरिंग चला गया था। अदर स्टेट के साथ बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग 51,000 जोसा में, सीसैप में 71,000 तक फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी आंध्र प्रदेश। ओपन कैटेगरी होम स्टेट के साथ कॉलेज 59,000 पे जोसा में एंड 62,000 पे फाइनली क्लोज हो गया था सीसा में बायोटेक्नोलॉजी के साथ। वहीं अदर स्टेट से बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी 55,000 पे जोसा में एंड 78,000 पे सीसा में क्लोज्ड हो गया था, तो नो डाउट अदर स्टेट को यहाँ पे एडवांटेज मिल गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी उत्तराखंड। इस कॉलेज में अगर आप टारगेट कर रहे हो होम स्टेट के साथ तो सिविल इंजीनियरिंग 64,000 जोसा में एंड 1,42,000 पे क्लोज हो गया था सीसैप में, तो देयर इज अ चांस कि आपका लैक्स में रैंक है तो इस कॉलेज में होम स्टेट के साथ आपको कॉलेज मिल जाए। वही अदर स्टेट के साथ सिविल इंजीनियरिंग 48,000 पे जोसा में एंड सीसैप में 69,000 पे क्लोज हो गया था, तो 70,000 के अंदर आपका रैंक है, तो देयर इज अ चांस कि आपको कॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी पांडिचेरी।
होम स्टेट के साथ कॉलेज जो है वो 3 लाख प्लस भी चला जाता, सिविल इंजीनियरिंग आप देख सकते हो 3 लाख प्लस भी चला गया था, लेकिन अदर स्टेट के साथ वही 48,000 पे कॉलेज जोसा में एंड 72,000 पे सीसा में फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पोजीशन पे आता एनआईटी पटना, होम स्टेट ओपन कैटेगरी के साथ मटेरियल साइंस जो है वो 52,000 के अप्रॉक्स क्लोज हो गया था जोसा एंड सीसा में, वहीं अदर स्टेट के साथ एडवांटेज देखने को मिला 75,000 तक सीसा में कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी गोवा, होम स्टेट ओपन कैटेगरी के साथ सिविल इंजीनियरिंग 67,991 पे जोसा में एंड सीसा में 1.5 लाख प्लस पे कॉलेज चला गया था, तो देर हाई चांस कि अगर आपका लाखों रैंक है तो होम स्टेट के साथ ये कॉलेज मिल जाए। अदर स्टेट के साथ देखें तो सिविल इंजीनियरिंग 44,000 पे जोसा में एंड 55,000 में सीसा में फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी रायपुर, अगर हम होम स्टेट के साथ बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 88,000 तक जोसा में बट 1,12,000 तक सीसा में चला गया, तो वहीं अदर स्टेट के साथ देखें तो 76,000 पे सीसा में फाइनली कॉलेज क्लोज्ड हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी सिलचर, होम स्टेट ओपन कैटेगरी के साथ सिविल इंजीनियरिंग 68,000 पे फाइनली कॉलेज क्लोज्ड हो गया था, वहीं अदर स्टेट के साथ बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग 56,000 तक इस कॉलेज में चला गया था और काफी डिसेंट सा कॉलेज है, आप एक बार इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं, काफी जबरदस्त स्टैट रहता है, आप 3 से 5 सालों का कंपेयर करो स्टैट को कॉलेज स्टिपेंड के एप्लीकेशन में, फिर पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी हमीरपुर, होम स्टेट के साथ 2 लाख के अंदर भी आपका रैंक है तो देयर इज अ चांस कि आपको मटेरियल साइंस में मिल जाए एडमिशन, बिकॉज ईयर बाय ईयर जब आप कंपेयर करोगे स्टैट को तो कंप्यूटर साइंस को छोड़ के जितने भी ब्रांचेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग तो उनकी स्टैट ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रही है। इसको आप कहां पे देखोगे, कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे जब आप प्रिडिक्टर यूज करते हो तो वहां पे 5 सालों के स्टैट को कंपेयर करते हुए दिखाया जाता है कि कट ऑफ ट्रेंड किस कॉलेज का किस ब्रांच के साथ कैसा चल रहा है, और साथ ही साथ वहीं पे आप वन व्यू में प्लेसमेंट देख सकते हो, ग्राउंड वाइज कट ऑफ एंड पी स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो वहां पे क्या है कि कंप्लीट एनालाइजेशन आपको पता चलता है कि फाइनली मेरी रैंक अगर कम भी है तो जिस तरीके से कट ऑफ ट्रेंड चल रहा है तो मेरे को मैकेनिकल सिविल या फिर मटेरियल साइंस जैसे ब्रांचेज में मिलने का चांस रहेगा, तो डेफिनेटली जाके एक बार एनालाइजेशन कर लेना। अदर स्टेट के साथ देखें तो 67,000 पे मटेरियल साइंस फाइनली क्लोज हो गया था एनआईटी हमीरपुर। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी जालंधर, होम स्टेट के साथ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 51,000 पे जोसा में क्लोज हो गया था, फाइनली सीसा में 55,000 तक क्लोज होता हुआ नजर आया था, बट यहाँ पे आप अगर ओपन कैटेगरी साथ एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 3 लाख प्लस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जैसे कॉलेज में। ये सीसब का है, सीसब क्या अनप्रिडिक्टेबल वे से चलता है, कभी कभी क्या होता है होम स्टेट में बहुत कम ही सीटें खाली रहती है तो हाई रैंक पे मिल जाता है, तो हम जो इस वीडियो में टारगेट कर रहे हैं वो जोसा के साथ टारगेट कर रहे हैं और फाइनली देख रहे हैं सीसा में भी वो ब्रांच किस रैंक पे क्लोज हुआ था, बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस कॉलेज में होम स्टेट के साथ एडमिशन लेते हैं तो 2 लाख 3 लाख पे भी एडमिशन मिल जाता है सीसैब राउंड में, बट जोसा राउंड में आपको थोड़ा फाइट करना पड़ता है, तो हम जोसा राउंड के अकॉर्डिंग सारी चीजें देख रहे हैं। वहीं अदर स्टेट के साथ देखें तो 43,000 पे जोसा में कॉलेज क्लोज हो गया था एंड सीसैब में 52,952 पे मटेरियल साइंस में एडमिशन हुआ था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी जमशेदपुर, होम स्टेट के साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 51,000 पे जोसा में कॉलेज क्लोज हो गया था, सीसैब में 55,000 तक यही ब्रांच क्लोज होता हुआ नजर आया था, वहीं अदर स्टेट के साथ देखें तो मटेरियल इंजीनियरिंग 43,000 पे जोसा में क्लोज हो गया था, सीसा में 52,000 तक क्लोज होता हुआ नजर आया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी दिल्ली, होम स्टेट के साथ सिविल इंजीनियरिंग 46,000 में जोसा में बट 90,000 प्लस पे चला गया था सीसा में, 1 लाख के अंदर रैंक है तो देयर इज अ चांस कि आपको एनआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाए सिविल इंजीनियरिंग के साथ। अदर स्टेट के साथ हम देखें तो मटेरियल इंजीनियरिंग जो था वो 43,000 पे जोसा में बट सीसा में 52,000 पे कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी दुर्गापुर, होम स्टेट के साथ केमिस्ट्री डुअल डिग्री जो था वो 54,000 पे क्लोज हो गया था, 66,000 पे सीसा में फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। अदर स्टेट के साथ देखें तो 50,000 पे केमिस्ट्री डुअल डिग्री क्लोज हो गया था, सीसा में 88,000 तक कॉलेज क्लोज होता हुआ नजर आया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है एनआईटी भोपाल, होम स्टेट के साथ सिविल इंजीनियरिंग 47,000 जोसा में, सीसा में 55,000 पे क्लोज हो गया था, वहीं अदर स्टेट के साथ सिविल इंजीनियरिंग 42,000 पे जोसा में एंड 50,000 पे फाइनली क्लोज हो गया था सीसा में। अब देख लेते हैं टॉप 10 एनआईटीज को, एनआईटी कुरुक्षेत्र, होम स्टेट के साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 49,000 पे क्लोज हो गया था जोसा में, सीसा में 67,000 तक होम स्टेट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया था, वहीं अदर स्टेट के साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 40,000 पे एंड सीसा में 50,000 पे क्लोज हो गया था। जो भी चीजें अभी दिखाई जा रही है वो जोसा में मैक्सिमम कॉलेज कहां तक क्लोज हुआ था उसके अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है, सीसा में फाइनली वो ब्रांच किस पे क्लोज हुआ था, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। 9th पोजीशन पे आता है एनआईटी सूरत, होम स्टेट के साथ केमिस्ट्री डुअल डिग्री 1 लाख पे क्लोज हो गया था जोसा में, सीसा में क्लोज हुआ था 7 लाख के अप्रॉक्स, मतलब आपका अगर रैंक रह रहा है तो अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो एनआईटी सूरत में केमिस्ट्री डुअल डिग्री मिलने का चांस रहेगा होम स्टेट के साथ। अदर स्टेट के साथ देखें तो केमिस्ट्री डुअल डिग्री 58,000 जोसा में एंड सीसा में 1 लाख प्लस पे चला गया था।
नेक्स्ट पोजीशन पे आता V90 नागपुर होम स्टेट के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग 48,000 क्लोज हो गया था, CSMS 67,000 तक क्लोज हुआ था। वहीं अदर स्टेट के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 45,000 पे एंड 56,000 पे CSMS क्लोज हुआ था। ऐसे ही डिटेल वीडियोस IIITs एंड NITs की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ और 3 सालों के प्लेसमेंट स्टैट को कंपेयर करते हुए बनी हुई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो को जरूर चेकआउट करना अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं तो फाइनली आपका कितना रैंक तक रहना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है NIT जयपुर होम स्टेट के साथ ओपन कैटेगरी मटेरियल एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग जो था जोसा में 41,000 पे एंड सीसा में 42,000 तक कॉलेज क्लोज हो गया था। वही अदर स्टेट के साथ मटेरियल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 38,000 पे जोसा में एंड सीसा में 47,000 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है NIT कलिकट होम स्टेट के साथ मटेरियल साइंस जो है 87,000 तक फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था ओपन कैटेगरी के साथ, बट अदर स्टेट के साथ बायोटेक्नोलॉजी 54,000 पे सीसा में फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है NIT इलाहाबाद होम स्टेट के साथ बायोटेक्नोलॉजी 32,997 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया, अदर स्टेट के साथ ओपन कैटेगरी 39,902 पे कॉलेज क्लोज हो गया था बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है NIT राउरकेला होम स्टेट के साथ लाइफ साइंस डुअल डिग्री ओपन कैटेगरी 270,000 प्लस पे भी चला गया था, बट यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, अगर आप NIT राउरकेला में लाइफ साइंस के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट में बायो होना चाहिए। इनकेस आपका बायो नहीं है तो आप लाइफ साइंस में एलिजिबल नहीं होते हो एडमिशन के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका मैथमेटिक्स के साथ बायो भी है तो लाइफ साइंस में हायर रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। वहीं अगर हम अदर स्टेट से देखें तो लाइफ साइंस डुअल डिग्री जो था 85,000 तक NIT राउरकेला में फाइनली सीसा में क्लोज हो गया था, तो हाई रैंक पे भी लाइफ साइंस मिल जाता है बट आपके साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए ये बायो का। अगले नंबर पे आता है NIT वारंगल होम स्टेट के साथ 84,000 तक केमिस्ट्री डुअल डिग्री चला गया था, हालांकि इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है बट आपको जोसा के काउंसलिंग के थ्रू ये सारे ब्रांचेज भी मिलते हैं, तो 84,000 तक आपको NIT वारंगल होम स्टेट के साथ चला गया था। वहीं अदर स्टेट के साथ 63,000 तक केमिस्ट्री डुअल डिग्री चला गया था। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है NIT सूरतकल होम स्टेट के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 65,000 तक फाइनली सीसा में क्लोज हो गया था। वहीं अदर स्टेट के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग 30,000 के अप्रॉक्स अदर स्टेट के साथ क्लोज हो गया था। बाकी अब कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग डेटा साइंस जैसी ब्रांचेज यहाँ अवेलेबल है उनकी क्या कट ऑफ है प्लेसमेंट उनकी कैसी है सारी चीजें एक वीडियो में बनाई हूँ। 31 NITs को कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेज के साथ मैंने कवर किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली जाकर उस वीडियो को चेकआउट करो। फाइनली एट फर्स्ट पोजीशन NIT त्रिचुरापल्ली होम स्टेट के साथ सिविल इंजीनियरिंग 43,000 पे फाइनली सीसा में कॉलेज क्लोज हो गया था। वहीं अदर स्टेट ओपन कैटेगरी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 29,000 सीसा में फाइनली क्लोज हो गया था, तो 35,000 तक भी आपका रैंक है, तो ट्रेंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का थोड़ा घटते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आप देखोगे तो इंक्रीज करते चांस कि आपको इसमें एडमिशन मिल जाए। तो फाइनली ये वीडियोस था 31 NITs मैक्सिमम कितने रैंक तक चले जाते हैं। इसी तरीके के ऐसे डिटेल्ड वीडियो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और डिटेल्ड ब्रांचेस के साथ अवेलेबल है कॉलेज T-Point पे, तो आप जाके डेफिनेटली वो वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन क्लिक पे आपके वन टच पे अवेलेबल होती है आपके पास। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।